जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से अपने टारगेट क्लासेस के इस चैनल पर हिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं भी जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 और 2 वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया आप जा करके मेरे इस चैनल पे मौजूद है वो वीडियो और उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि आज हम इसके पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं, पार्ट 3 के बारे में बताने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 1498 से बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट वीडियो के कुछ बातें मेरे प्यारे साथियों हम आपको बताते हैं इस वर्ल्ड मैप पे, क्योंकि मेरे इतिहास सिखाने का कुछ तरीका ही अलग होता है। बिना मैप के हम आपको हिस्ट्री यानी कि कुछ पढ़ाना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट होते हुए भी अगर आपके अंदर हम रुचि को पैदा न कर पाएंगे तो इतिहास आप नहीं सीख पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आपके टाइम लूंगा मैं, और थोड़ा पिछले वीडियो में जो मैं बताया था उसके बारे में थोड़ा फिर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब बार्थोलोमियो डियाज के वापस लौटने के बाद 1492 में यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज किए और अमेरिका से ही वो आपस कहाँ चले गए, यूरोप चले गए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 1498 से। मेरे प्यारे साथियों, अगर यूरोप का बात किया जाए तो यूरोप में 8 से 9 मंथ का ठंड पड़ने वाला है। यहाँ पर ठंड पड़ने के कारण यूरोप का जो मुख्य रूप से खाद्य फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ का बात किया जाए यूरोप का यानी कि मुख्य खाद्य फसल क्या होने वाला है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ मानसून होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, यूरोप में 2 व्यक्ति थे जिनका नाम इमैनुअल और हेनरी, आप लोग जानते भी होंगे। ये दोनों इमैनुअल और हेनरी नाम के व्यक्ति क्या करते थे, इस यूरोप से अपने नाविकों को बार बार यानी कि उन्हें प्रेरित करते थे, क्योंकि इन्हें मांस के लिए मसाला बहुत जरूरी था और जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, ये बार बार इमैनुअल और हेनरी अपने नाविकों को बार बार एक प्रेरित करते थे कि भाई मसाले के लिए भारत तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता का या समुद्री मार्ग का खोज किया जाए। जब बार्थोलोमियो डियाज को असफल होने के बाद फिर जब कोलंबस ने भी क्या हुए असफल हो गए और भारत तक नहीं पहुंच पाए, तो 1498 में यहां से एक और व्यक्ति भारत को खोजने के लिए निकलता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर उस व्यक्ति का हम नाम बताएं तो 1498 जिस व्यक्ति का नाम होने वाला है वास्को डिगामा। इस नाम से आप लोग बहुत परिचित होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वास्को डिगामा के नाम से आप लोग बहुत परिचित हो गए। ये व्यक्ति यानी कि कोलंबस के बाद 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग के खोज में निकलता है। मेरे प्यारे साथियों जब ये यूरोप से भारत के लिए निकलता है तो 1487 में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा जो भी रास्ते की खोज किया गया था, यानी कि बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा भारत आने में जहां तक रास्ते का खोज किया गया था उसी रास्ते को पकड़ करके यानी कि उसी रास्ते के माध्यम से वास्को डी गामा यहाँ से यूरोप से चलता है और साउथ अफ्रीका तक पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, बार्थोलोमियो डियाज साउथ अफ्रीका को तूफानों का शहर बता करके यहीं से वह वापस चला गया था। क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चिपटी है, अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा मतलब अंत हो सकता है, दुनिया का अंत हो सकता है, पृथ्वी का अंत हो सकता है, और यहाँ पर तूफान इतने अधिक आते थे। अगर साउथ अफ्रीका का बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो साउथ अफ्रीका एक समुद्री तट पर बसा हुआ महादेश है और यहाँ से बार बार आंधी आने की वजह से इसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया, यानी कि उत्तमासा अंतरिक्ष को खोज की और यहाँ से ही वो आपस चले गए। मेरे प्यारे साथियों, जब वास्को डी गामा इस रास्ते से होकर के साउथ अफ्रीका तक पहुंचा तो यहां तक आने में वास्को डी गामा को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यहां तक तो बार्थोलोमियो डियाज बहुत अच्छे से रास्ते बता दिए थे। अब मेरे प्यारे साथियों, इस वास्को डी गामा को यहां से अब आगे बढ़ना था। कहां बढ़ना था, यानी कि यहां से
साउथ अफ्रीका से भारत के लिए आगे बढ़ना था, और भारत का इस मैप में, वर्ल्ड मैप में बात किया जाए तो भारत मेरा यहाँ पर वो स्थित है। यहां से आगे बढ़ने के लिए क्या होता है कि यहां से आगे बढ़ने शुरू कर देता है कौन? वास्को डी गामा। मेरे प्यारे साथियों, जब वास्को डी गामा यहां से आगे बढ़ता है तो डायरेक्ट पहुंच जाता है कहां? भारत। और वो भी भारत के कहां पहुंचता है? केरल। मेरे प्यारे साथियों, केरल पहुंचता है। अगर केरल का मेरे प्यारे साथियों बात किया जाए तो भारत का एक ऐसा वो राज है जहां पर मसालों का बहुत अधिक भंडार है, और वास्को डी गामा भी मसाले की खोज के लिए, मसाले के व्यापार के लिए भारत पहुंचा था। वो भी कौन सा मसाला था? यानी कि काली मिर्च। मेरे प्यारे साथियों, यहां से पूरे सटीक जगह भारत के केरल वास्को डी गामा कैसे पहुंच गया, यहां थोड़ा सोचने वाली बात है। यहां क्या है? सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां से तो 150-200 किलोमीटर आज वापस चले गए थे, लेकिन भाई जो वास्को डी गामा इसी रास्ते से आया और आगे बढ़ना शुरू किया तो डायरेक्ट इंडिया के एकदम सटीक जगह केरल कैसे पहुंच गया? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर आपका एक और बात बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो इंडियन ओशियन है ना, यानी कि हिंद महासागर, यहाँ एक एनसीईआरटी बुक है, वह बुक बताता है कि इस इंडियन ओशियन में एक व्यक्ति से मिल जाते हैं। किसे? वास्को डी गामा को इंडियन ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर में एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और उसी व्यक्ति से वास्को डी गामा को बहुत अधिक दिनों तक बहुत लंबे बातचीत चलता है। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या होता है? बहुत अधिक दिनों तक इस वास्को डी गामा को इस व्यक्ति से बातचीत चलता है। उस व्यक्ति का अगर बात हम करें, उस व्यक्ति का बात करें तो उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक, मेरे प्यारे साथियों, इस इंडियन ओशियन में वास्को डी गामा को जो व्यक्ति मिले थे, उस व्यक्ति से अधिक दिनों तक बातचीत चलता है, उस व्यक्ति का नाम मूल्य बना है अब्दुल मानिक। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जो अब्दुल नामक व्यक्ति थे ना, अब्दुल मानिक नामक जो व्यक्ति थे जिन्हें वास्को डी गामा से लंबी बातचीत हुआ, वो इंडिया तक पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को बहुत अधिक मदद किए थे। और एनसीईआरटी इस बात को बोलता है, इस बात को लिखता है कि जो अब्दुल मानिक नामक व्यक्ति थे उन्हें भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत मतलब रास्ता मालूम था। मेरे प्यारे साथियों, इस अब्दुल मालिक नामक व्यक्ति इस वास्को डी गामा को अपने साथ लेकर के भारत पहुंच रहे हैं, और भारत के किस जगह पर पहुंच रहे हैं? केरल पहुंच रहे हैं। किस जगह पर पहुंच रहे हैं? केरल पहुंच रहे हैं। अगर भारत वास्को डी गामा को केरल यानी कि भारत पहुंचने का अगर तारीख का बात किया जाए, मेरे प्यारे साथियों, तारीख का बात किया जाए तो तारीख होने वाला है 17 मई। क्या होने वाला है? 17 मई और 20 मई 1498, यानी कि डेट क्या होने वाला है? 17 मई 20 मई 1498। मेरे प्यारे साथियों, इस डेट को देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई आखिरकार वास्को डी गामा तो किसी एक ही डेट पर पहुंचा होगा, केरल। मेरे प्यारे साथियों, जो विकिपीडिया नामक बुक है वो बोलता है कि भारत जो पहुंचा, यानी कि वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा, उस भारत पहुंचने का डेट विकिपीडिया 17 मई बताता है, जबकि एनसीईआरटी बोलता है कि नहीं, भारत पहुंचने का वास्को डी गामा का समय कितना रहने वाला है? 20 मई रहने वाला है। इस डाउट में आप लोग पड़ गए हो कि भाई आखिरकार डबल डेट ये क्या है यार? तो यार मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए सुधीर कुमार एक कैमरामैन है और उस अपने कैमरा को लिए हुए केरल पहुंच रहे हैं, और केरल के कालीकट जगह के ककड़ाबू बंदरगाह पर उस कैमरे को लिए हुए दिखा रहे हैं कि आज डेट है 20 मई या 17 मई, और इसी 17 मई को वास्को डी गामा का जहाज दौड़ता भागता हुआ केरल के कालीकट के ककड़ाबू बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। अभी कुछ ही चंदों में वह जहाज केरल पहुंचने वाला है। मेरे कहने का मतलब, मेरे प्यारे साथियों, यह है कि उस समय नहीं कोई कैमरे हुए करते थे और नहीं किसी इतिहास को उस डेट के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त था, नहीं किसी इतिहासकार को उस डेट के बारे में किसी विशेष प्रकार का जानकारी प्राप्त था। इसलिए विकिपीडिया इस भारत पहुंचने के वास्को डी गामा का समय 17 मई बताता है, और एनसीईआरटी भारत पहुंचने का उसका समय कितना बताता है? 20 मई बताता है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर एक दिल्ली के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत पहुंचने में वास्को डी गामा का मतलब भारत
वास्को डी गामा कब पहुंचे थे, उसमें 1498 ऑप्शन में नहीं थे, ऑप्शन डाला था मेरे प्यारे साथियों। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते होंगे, करते होंगे, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा। उसका डेट कहने वाला है मेरे प्यारे साथियों 18 मई। 18 मई ऑप्शन देता हूं। सेकेंड डेट रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि इसका 12 मई। 12 मई मेरे प्यारे साथियों। थर्ड ऑप्शन रहने वाला है इसका, यानी कि 10 मई। और सेकेंड ऑप्शन रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों इसका, सेकेंड ऑप्शन रहने वाला मेरे प्यारे साथियों 30 मई। सेकेंड ऑप्शन क्या रहने वाला है? 30 मई। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल्ली का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का हाल बता रहे हैं मैं आपको मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1498 का तो नामों मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ है। इसमें डेट में पूरा डिफरेंस दिख रहा है कि भाई 18 मई, 12 मई, 10 मई, 30 मई। आप एनसीईआरटी बोलता है 20 मई, विकिपीडिया बोलता है 17 मई, और ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब यार जो भी मेरे में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथी रहते हैं तो वो डायरेक्ट एग्जाम को कमीशन को चैलेंज कर देते हैं कि अब कमीशन ने तो गलत क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी भी आपको अगर ऐसी दुर्घटना से अगर ऐसी दुर्घटना अगर घटित होने वाला है आपको आपके साथ, तो आप लोग याद रखिएगा कि उस समय सुरक्षा कवच का उपयोग किया जाता है, यानी कि अपने माइंड को उपयोग किया जाता है, और इस ऑप्शन में से जो भी सटीक आंसर रहता है उस डेट के नियरेस्ट जाते हैं, यानी कि नजदीक जाते हैं और नजदीक देखते हैं कि कौन से डेट इसके पास में है। क्या है, कौन से डेट इसके पास में है? तो इसमें 18 मई, 12 मई, 10 मई, 30 मई, तो हम देख रहे हैं नियरेस्ट कौन है, यानी कि 18 मई है। 18 मई। अब बहुत सारे मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को छोड़कर के आ जाते हैं। मान लीजिए कि कमीशन ने गलत ही क्वेश्चन पूछ दिया है, तो गलत क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अगर किसी मेरे प्यारे साथी अगर कोई इस आंसर को यानी कि करके आए हैं, तो अगर कमीशन ने गलत भी क्वेश्चन किया है तो उसका एक नंबर आपको मिलेगा, और जो करके ही नहीं आए हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब भी आपको इस ऐसी दुर्घटना से आपके मतलब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, तो उस समय याद रखिएगा कि आंसर के किसी नियरेस्ट आंसर में जाते हैं, नियरेस्ट डेट पर जाते हैं, और उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, करके आना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक और डाउट को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा कि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन का हाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसएससी एक हमारा क्वेश्चन पूछा था, कि वास्को डिगामा को भारत लेकर के आने में किस व्यक्ति ने मदद की, तो वहां पर ऑप्शन में डाला था अब्दुल मजीद। इस बार मैं आपको चार ऑप्शन नहीं दूंगा, इस बार क्या डाला था, अब्दुल मजीद। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अब्दुल मानिक नामक व्यक्ति थे ना, दरअसल उन्हीं के नेम क्या था, अब्दुल मजीद नेम था। क्या था? अब्दुल मजीद। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर सकता है कि वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था, यानी कि पथ प्रदर्शक के मतलब हो गया यानी कि रास्ता दिखाने वाला कौन था, तो कौन था, अब्दुल मजीद था, अब्दुल मानिक था। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि मेरे प्यारे साथियों, जो वास्को डिगामा को भारत आने तक मदद किसने की, अब्दुल मजीद ने की थी, यानी कि अब्दुल मानिक ने किया था। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि जब वास्को डिगामा भारत आ रहे थे तो वास्को डिगामा के नाभिक कौन थे, तो ये कौन थे, अब्दुल मजीद थे या अब्दुल मानिक ही थे। मैं एक और डाउट को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा मेरे प्यारे साथियों, और पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भारत आ रहे थे वास्को डिगामा तो उनके दरअसल जहाज का नाम था साओ ग्रेबियल। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा के जहाज का नाम था, वहां पर कमीशन ने इस आंसर को नहीं माना था, वहां पर हेक्टर आंसर माना था। क्या माना था? हेक्टर आंसर माना था, क्योंकि जो यार कमीशन वाले होते हैं ना, वो खुद से खेल खेलते हैं। जैसे में हम केले के छिलके पर जब पैर रखते हैं तो पैर फिसल जाता है, वैसे ही मेरे को फिसलने की कोशिश करते हैं कमीशन वाले बार बार। यहाँ पर देखिए, कमीशन ने गलती क्या किया था कि जो वास्तव में भारत आए थे वास्को डिगामा, उनके जहाज का नाम साओ ग्रेबियल था, लेकिन यहाँ पर हेक्टर माना था आंसर एसएससी। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो आपको जरूर मिला होगा ये क्वेश्चन।
दरअसल माननीय कमीशन का मानने का मकसद ये था कि वास्को डी गामा के पहले जितने भी निकले थे भारत के खोज के लिए या भारत तक पहुंचे थे, जो भी व्यक्ति पहुंचे थे वो दरअसल हेक्टर नामक जहाज से आए थे। तो यहाँ पर कमीशन ने भी वास्को डी गामा का जहाज को क्या माना है? हेक्टर माना है। मेरे प्यारे साथियों, अब लगता होगा कि ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब वास्को डी गामा भारत पहुंच रहा है, तो भारत के इस केरल के ककक डाबू बंदरगाह पर एक व्यक्ति खड़े हुए रहते हैं इस वास्को डी गामा का स्वागत करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम होने वाला है मेरे प्यारे साथियों जमोरी। उस व्यक्ति का क्या नाम होने वाला है? जमोरी। मेरे प्यारे साथियों, ये व्यक्ति वास्को डी गामा के स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर के केरल के कालीकट के कप्पट डबू बंदरगाह पर खड़े रहते हैं। और जैसे वास्को डी गामा अपने जहाज से बाहर निकलते हैं, वहां पर उनके जमोरी के द्वारा क्या होता है? शुरुआत, यानी कि इसका स्वागत किया जाता है। और वास्को डी गामा जमोरी से बात करते हैं, यानी कि व्यापार के, और व्यापार में किसके लिए? काली मिर्च के लिए, यानी काली मिर्च यानी कि मसाला, काली मिर्च का व्यापार करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ आपसे अगर एक और क्वेश्चन करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ जो भारत आने में वास्को डी गामा का जो समय था मेरे प्यारे साथियों, वो लगभग 90 दिन आने में लगे थे और 90 दिन जाने में लगे थे, यानी कि कुल 180 दिन ये भारत आने और भारत से अपने देश यूरोप जाने में इनको लग गया था। अगर इसकी दूरी का बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो लगभग ये 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचे थे। कौन वास्को डी गामा 25,000 की दूरी तय करके भारत पहुंचे थे, और आने में उन्हें 90 दिन का समय लगा था, और भारत से वापस अपने यूरोप देश जाने में उन्हें क्या लगा था? 90 दिन का समय लगा था। यानी कि कुल समय कितना लगा था? 180 दिन। मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ पर वास्को डी गामा जमोरिन से मसाले खरीदते हैं और मसाले खरीद करके अपने देश वापस लेकर जाते हैं, मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ पर जमोरिन से वास्को डी गामा मसाले खरीदते हैं और मसाले खरीद करके अपने देश यूरोप लेकर के जाते हैं, तो यूरोप लेकर के जाने के बाद यहाँ पर जो भी मसाला खरीदते थे भारत से, उन्हें उस पर 60 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मसाला खरीदी या 1 लाख की मसाला खरीदी, तो यहाँ पर क्या, यानी कि 60 गुना मुनाफा कमा रहा है। क्या कमा रहा है? 60 गुना मुनाफा कमा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब इस मसाले को यूरोप लेकर के गए वास्को डी गामा, तो वहां पर जब यूरोप में इसे लेकर गए, तो जब 60 गुना मुनाफा कमाए थे, तो एक बात बताइए मेरे को, अगर हम किसी पड़ोस में रह रहे हैं और मेरे पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए और अपने द्वार पे कल फॉर्चूनर एक गाड़ी ला करके रखते और घर बहुत ज्यादा यानी कि ऊपर तक बनवाने लगे, तो मेरा जो पड़ोसी होगा ना, वो पूरा दिमाग लगा देगा यार कि इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, आखिरकार इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही हाल हुआ यूरोप में। यूरोप के जो भी देश थे, चाहे फ्रांस से, स्पेन से, डेनमार्क से, डेनिश से, अंग्रेज थे, इन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि वास्को डी गामा को आखिरकार पैसा आ कहां से रहा है, आखिरकार इतना व्यापार में वृद्धि से कहां से मुनाफा हुआ। तो यहां से क्या हुआ, पता चलता है कि ये भारत गए थे और भारत तक नए समुद्री मार्ग का खोज किए और भारत तक अब नए रास्ते का पता हो गया, तो यहां से यूरोप से भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए अब स्पेन ब्रिटेन वाले को, यानी कि यूरोप से एक होड़ मचती है कि भारत के साथ क्या किया जाए, व्यापार किया जाए। क्योंकि वास्को डी गामा जो यहाँ से मसाला खरीद के ले गए थे अपने देश, वहां पर 60 गुना मुनाफा कमाए थे। वहां पर कितना मुनाफा कमाए थे? 60 गुना मुनाफा कमाए थे। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बनता है कि सर, मतलब मेरे भाई बताओ कि यहाँ पर जब जमोरिन से वास्को डी गामा मसाला खरीदते हैं, तो आखिरकार जमोरिन को क्या देते हैं? मेरे प्यारे साथियों, तो एक बात बताइए, एक समय था कि भारत को विश्व भर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, यानी कि एक भारत के पास ऐसा टैलेंट था कि दुनिया भर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था भारत। लेकिन इस टैलेंट को बचाना भारत के लिए मुश्किल था, क्योंकि भारत में कलाकारों की कदर नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब यह है कि जमोरिन से जब मसाला खरीदा था वास्को डी गामा, तो मुद्रा के रूप में सोना दिया था। क्या दिया था? सोना दिया था। और सोना हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, सीमित धातु है। यानी कि भारत का टैलेंट का बात किया जाए, तो जीरा देता था ना,
यानी कि जीरा देता था तो सोना, सोना लेता था भारत। इतना समझिए कि एक जीरा देता था, जीरा का बदले सोना लेता था, तो भारत तो टैलेंट विकासशील होकर करेगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अब यहां से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं भारत व्यापार करने के लिए, अब यूरोप वाले सोचने लगे कि भाई अगर हमको ऐसा करना पड़ा और मसाला मेरे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, और लगातार हम मसाले लेकर के भारत को जब सोना देंगे तो मेरे यहाँ का सोना तो सारा खत्म हो जाएगा, मेरे यहाँ का हो सोना तो सारा खत्म हो जाएगा। तो 1500 थोड़ा देखिए इसको, तो 1500 में क्या होता है, 1500 में एक पेड्रो केब्राल नामक यूरोप व्यक्ति भारत के लिए निकल रहा है, और वो भी 13 जहाजों के भीड़ों के साथ, 13 जहाजों के भीड़ के साथ, यानी कि 13 जहाजों के साथ 1500 में क्या कर रहा है, यानी कि भारत पहुंच रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, जब इस बात को हमने बताया कि यूरोप वाले सोचने लगे कि जब भारत को लगातार सोना देंगे तो सोना देने के बाद क्या होगा कि यूरोप का सारा सोना खत्म हो जाएगा, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, अब भारत दिन ब दिन विकास की घड़ी पर आ जाएगा, विकास के रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास सोना बहुत अधिक मौजूद हो जाएगा और मेरे यहाँ का सारा सोना खत्म हो जाएगा, और भारत से हम खरीद क्या रहे हैं मसाला। तो दिमाग क्या लगाए कि जब भी इस रास्ते से यूरोप होते हुए इस दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से क्या इस रास्ते से होकर के यानी कहाँ जाते थे, यानी कि इंडिया जाते थे, तो यहाँ पर एक साउथ यानी कि अफ्रीका एक महादेश पड़ता है। ये आज भी इतना गरीब है, इसमें रहने वाला देश इतना गरीब है कि इसे पिछड़ा अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, गरीब अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में यानी कि इस मतलब इस महाद्वीप में रहने वाले सारे के सारे देश गरीब है, चाहे वो क्या हो जाए यानी कि सूडान हो जाए, कोई भी इसमें रहने वाले सारे देश गरीब है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर भी अफ्रीका का बात किया जाए ना, तो यहाँ पर भी बहुत अधिक ठंड पड़ता है, ठंड पड़ने के कारण यहाँ के भी लोगों का भोजन क्या रहने वाला है, मांसी रहने वाला है। देखिए दिमाग कितना लगाए मतलब यूरोप वाले। इस क्षेत्र में क्या करते थे अमेरिका वाले यानी कि अफ्रीका वाले, इस क्षेत्र के जंगल में ये जितना क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसी जंगल में जानवरों को मारकर अपने भोजन के काम करते थे। कुछ इतिहासकार एक लिखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि कोई ना कोई जहरीली गैस छोड़ा गया या कोई ना कोई जंगल काटने से यहाँ के सारे जानवर क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर अब भूखमरी पैदा हो गई मेरे प्यारे साथी, क्या हो गई, भूखमरी पैदा हो गई। अगर मैं आपसे एक और बात कहूं मेरे प्यारे साथियों कि यूरोप वाले को यानी कि भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो दूसरा उद्देश्य था क्या, धर्म परिवर्तन कराना। क्या था, धर्म परिवर्तन कराना मेरे प्यारे साथियों। आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर वास्को डी गामा जो आया था केवल मसाले के लिए आया था, लेकिन नहीं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो ये आया था यानी कि जो वास्को डी गामा वो धर्म परिवर्तन की यूरोप वाले धर्म परिवर्तन कराने के आए थे। क्या आए थे, धर्म परिवर्तन कराने के आए थे प्यारे साथियों। यहाँ पर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से भी आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी सऊदी अरब यानी कि अरब में जो भी मुस्लिम लोग थे, यहाँ पर एक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है, और मोहम्मद पैगंबर साहब यहाँ के पिछड़े हुए अरब देश को क्या करते हैं, एक इस्लाम धर्म का स्थापना करते हैं, और आसपास के देशों में क्या करते हैं, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग लुटेरे टाइप के लोग रहते थे, यानी कि अरब में लुटेरे टाइप के लोग रहते थे, इनके लोग बिखर चुके थे। तो दिन प्रतिदिन इस्लामिक धर्म इतना ना तेजी से फैल रहा था कि एक समय यूरोप वाले सोचने लगे कि भाई हम लोग बहुत सारे विश्व के ऐसे देश है जहां पर क्या किए हैं, कब्जा किए हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा, दिन प्रतिदिन मुसलमानों की संख्या बढ़ते जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे और मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, सबसे अधिक पड़ जाएगी, और अधिक पड़ने के वजह से क्या होगा कि हम लोग खुद से अपना यानी कि नहीं होता है, अपना ही पैर अपने ही कुल्हाड़ी से काट लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप वाले जो भारत आए थे तो धर्म परिवर्तन कराने की वजह से ही आए थे, एक टारगेट उनका उद्देश्य भी था धर्म परिवर्तन कराना, ठीक है। और यहाँ से जब जमोरिन से मसाले खरीद करके वास्को डी गामा अपने देश वापस ले जा रहा था, तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि दरअसल
जमुरिन के ऊपर एक ऐसे बम गोले दागे ताकि उसी बम गोले से क्या हुआ, जमुरिन का डेथ हो गया यानी कि मृत्यु हो गया। और अपने रास्ते में जितने भी क्या हुए मुस्लिम कंट्री आते गए, मुस्लिम लोग आते गए, उन्हें काटते हुए चले गए वापस, काटते हुए क्या हुए चले गए वापस। तो यूरोप वाले को यानी कि भारत आने का एक और उद्देश्य था, क्या था, वो धर्म परिवर्तन कराना। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, टाइम लेकर के इस बात को बताया हूं। लेकिन हम लोग कहां थे कि जब यूरोप वाले क्या हुए दिमाग लगाना स्टार्ट किए कि अगर भाई ऐसा ही कंडीशन रहा तो यूरोप का सारा सोना खत्म हो जाएगा और हम लोग गरीब पड़ जाएंगे, और गरीब पड़ जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत क्या होगा विकासशील बनता जाएगा यानी कि मजबूत बनता जाएगा। अब क्या हुआ, इस क्षेत्र के में अफ्रीका वाले तो बताए हैं कि जंगल था, जंगल में अचानक से आग लग गए, या कोई इतिहासकार लिखता है कि अचानक कोई जहरीली गैस छोड़ देने से यहाँ की सारी जानवर मर गए, या कोई इतिहासकार ये भी लिखता है कि लगातार जंगल की कटाई की वजह से सारे जानवर क्या हो गए, खत्म हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर जब यूरोप से जो भी व्यक्ति आते थे ना, अब दिमाग लगाना स्टार्ट किए, और क्या हुआ कि यहाँ पर रोक अपने जहाज को रोक दिए, और यहाँ के लोग यानी कि भूख से मर रहे थे, अब यहाँ पर रोक करके अपने यहाँ से खाना लाए थे, और अफ्रीका वाले लोगों को पूछ रहे क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या। अब आप लोग मेरे प्यारे साथी इस बात को बताइए कि जो व्यक्ति भूख से मर रहा है और उसको आप बोलिएगा खाना चाहिए क्या, तो क्या बोलने वाला है कि बोल क्या रहे हो भाई, पूछ क्या रहे हो, दो ना खाना, दो ना खाना। तो यहाँ पर यूरोप वाले बोलते हैं कि अगर हम तुमको खाना देंगे तो तुम खाने के बदले क्या दोगे, तो जो भूख से मर रहा है तो वो अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक कंडीशन यहाँ पर यानी कि अफ्रीका वाले लोगों के साथ घटित हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे प्यारे साथियों, ये अपने आप को इन लोगों को बेचना पड़ता है, और यूरोप वाले इस अफ्रीका वाले को खरीदते हैं और खाना देते हैं, और इस अफ्रीका वाले को लेकर के अब यूरोप जाएंगे, भारत जाएंगे नहीं, इस डायरेक्ट अफ्रीका वाले लोगों को लेकर के चले गए कहां, अमेरिका। कहां, देखिए दिमाग कितना हार्ड लगाए थे, यहां से मजदूर खरीदे और अमेरिका ले गए, अमेरिका में ले जाकर बोल रहे हैं क्या अमेरिका वालों से, आपको मजदूर चाहिए क्या। अब अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका में मजदूरों की इतनी कमी थी कि इतिहासकार लिखते हैं कि वहां के किसान का जो खेतों में छिड़काव होता हेलीकॉप्टर से होता था। अब यहां पर मजदूरों को ले जाकर के बेच दिए, यूरोप से चले अफ्रीका के मजदूर को लेकर के खरीद करके कहां ले गए, अमेरिका बेचे, और अमेरिका से क्या बेच करके सोना लिए, और सोना लिए हुए कहां पहुंच रहे हैं, भारत। दिमाग देखिए इन लोगों का, अफ्रीका से सोना लेकर के मजदूर को बेचे और अफ्रीका से पहुंच रहे हैं कहां, अमेरिका से कहां पहुंच रहे हैं, भारत। इसी से मेरे प्यारे साथियों, या ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्वकरण, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार, इसी से है क्या ग्लोबलाइजेशन। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इराक चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, जैसे भारत के किसी राज्य में जा रहे हैं, इसी से क्या आया ग्लोबलाइजेशन। और एक बात और बताइए मेरे को, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को देखें ब्राक ओबामा, एक काले है, दरअसल काले क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका के लोग गोरे होते थे, यहाँ पर सबसे अधिक ठंड होता था। तो मेरे प्यारे साथियों, वो ब्राक ओबामा कहीं ना कहीं किसी रूप से अफ्रीका के हैं, वो क्या थे यानी कि गरीब व्यक्ति थे जो एक समय यूरोप के द्वारा खरीद कर कहां ले गए थे, अमेरिका। मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में इतना ही, बस अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है और भारत के साथ कैसा व्यापार करता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में और अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतिहास मतलब मैं आप लोगों को एक ऐसे माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस ऐसे माध्यम से आप पूरे YouTube को छान मारिएगा तो ऐसे कॉन्सेप्ट वर्ल्ड मैप के द्वारा आपको शायद कोई नहीं बता पाएंगे। लव यू टू, और जय हिंद जय भारत।